आईपीएल के 17वें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बीते मंगलवार को हुई। जमशेदपुर के 19 वर्षीय कुमार कोशारिक को दिल्ली कैपिटल ने 7.20 करोड़ रुपया में खरीदा है। कुसार झारखंड से खेलते हैं। विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में कुशार्क ने कई बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका बेस प्राइज 20 लाख था। कुशार्क पर सबसे पहले चेन्नई ने बोली लगाई, इसी बीच गुजरात ने भी बोली लगाई। नतीजतन 20 लाख से कुशार्क की कीमत 60 लाख पहुंच गई। आपको बता दें कि कुमार कुशार्क जमशेदपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता शशिकांत जीएसटी आयुक्त हैं। कुशार्क जमशेदपुर में क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है, तभी उन्हें बोकारो जिला से लीग खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अंडर 14 अंडर 16 टीम में बोकारो से खुल खेलना शुरू कर दिया। अब वे सीनियर टीम से बोकारो से खेलते हैं। वहीं कुशार्क का चयन होने पर उनके माता पिता काफी खुश हैं। पिता का कहना है कि यह तो कुशार्क की अभी शुरुआत है, उनकी इच्छा है कि वे इंडिया टीम से खेले। वहीं कुशार्क के आईपीएल में चयन होने पर उनकी माँ और बहनें भी काफी खुश हैं और वे लोग इंतजार कर रही है कि कुशार्क आने के बाद उसका विशेष तौर पर स्वागत किया जाएगा। अच्छा लग रहा है और खुशी हो रहा है कि बेटा का सिलेक्शन हो गया है। और बहुत मेहनती था बचपन से ही और इस समय उसका सफलता मिलने का वही है। और आगे बढ़ता रहे, आईपीएल में खेले, आगे नाम रोशन करे झारखंड का, देश का, और अपना मेहनत से आगे बढ़ते रहे, ऐसा ही खेले। मैडम, घर में कितने मेंबर हैं आपके? 5 बेटा और 2 बेटी है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप तो घर हाउस वाइफ हैं। हाँ, है ना। घर से बेटे का सफर जो है कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा लोग तो चाहते ही हैं कि बेटा आगे चल के नाम रोशन करे। आज उसका पहला कदम है आईपीएल में और आगे भी अपना मेहनत से ही आगे बढ़ता रहे और हम लोग को गर्व महसूस कराता रहे, आप पूरा परिवार को भी। झारखंड में महेंद्र सिंह वहीं से जमशेदपुर से खेल के आईपीएल और क्रिकेट में किए हैं, आपके पुत्र भी क्या मानते हैं? हम भी सोचते हैं वैसा ही नाम रोशन करे, वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसी से सीख सीख के आगे बढ़ते रहे। मेरा लड़का का जो है सो ऑक्शन जो है सो हुआ था 19 तारीख को। उस ऑक्शन में जो है सो खरीदारी के मैंने खरीदारी के लिए वहाँ पर ये किया जाता है, तो मेरा बेटा का सिलेक्शन जो है सो है ना दिल्ली कैपिटल्स में है ना 7.2 करोड़ रुपया है ना के ये में हुआ है। और ऐसा है कि हम लोग उसको समझते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज है और इस प्राइमरी स्टेज से अपना आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। शुरू से उसकी जो जीवनी है अब तक की क्या है? हाँ, शुरू से उसका जो है बचपन में ही उसका हम नाम लिखा दिए थे लोयला स्कूल जमशेदपुर में, और वहाँ पर वहाँ पढ़ता रहा, अपना खेलता भी रहा। स्कूल के समय में स्कूल जाता था और उसके जस्ट पहले और बाद में अपना क्रिकेट का समय देता था। लेकिन समय देने के साथ साथ उसमें यही था कि उस समय को बहुत समझ ईमानदारी के साथ निभाया। अगर हमको खेलना है तो किसके गाइडेंस में खेलना है और किस टेक्निक से खेलना है, उस वो विचार रख करके वो हमेशा काम करता था। ये नहीं कि एट रैंडमली है ना रैंडमली जो सो हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा नहीं। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टेक्निक, यहाँ सोच कर जाता था कि हमको आज क्या सीखना है। और मैंने उसको सिखाया था कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर जिस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे उस दिन तुम जीतना भी बंद कर दोगे। इसी कारण लाइफ में कुछ भी करते हो
तुम जो है सीखने का प्रयास करो। हार जीत तो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें यह करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम आगे बढ़ोगे।